अलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ स्मिया और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल एंड कुकिंग। आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक पराठा, जो झटपट और बहुत मज़े का बन जाएगा। आपने गार्लिक ब्रेड तो खाई होगी, तो आज गार्लिक पराठा भी खाइएगा। मैंने ये गार्लिक लिया है और उसको पीस लिया है, हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद, और साथ में मैंने ये जो रेड चिली है उसको मैंने मतलब दादर कर लिया है, और साथ में थोड़ा सा जीरा लिया है, नमक लिया है हसबे ज़रूरत, और इसमें बटर जाएगा और हरा धनिया जाएगा। और साथ में मैंने इजीली, मैंने कहा बहुत जल्दी बनाए, तो मैंने पराठे को बेड़े को लेके उसको बेल लिया हुआ है। तो चलिए मैं इन चीज़ों को मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें, मैंने अभी हरा धनिया भी ऐड करना है, तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये सब तमाम चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसमें बटर डालेंगे, और इसमें अब मैं हरा धनिया डालती हूँ। ये देखिए हरा धनिया भी मैंने ऐड कर लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये इतना यमी यमी पराठा बनेगा ना, कि आप गार्लिक ब्रेड तो खाई होगी, आप पराठा खाएंगे तो गार्लिक ब्रेड को भी भूल जाएंगे। ये भी बहुत मज़े का बनेगा। अब मैं इसमें ये बटर डालती हूँ और इसको अच्छे से मैश करके मिक्स करती हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना बटर में। ये देखिए ये मैं अब ये मैं लगा रही हूँ। मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस तरह लिया और सारा बटर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, जो मैंने गार्लिक वाला बनाया था उसमें सारी चीज़ें आपको पता है मैंने जो डाली हैं, तो वो मैं इसको सारा अच्छे से लगा के, और अब हम इसका पराठा बनाते हैं। बहुत ही मज़े का और यमी यमी और सो टेस्टी बनने जा रहा है ये वाला जो पराठा बनेगा गार्लिक वाला। आप लोग ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसको कट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने ऐसे कट लगा लेना है और इसको आसानी से ऐसे ही करते जाना है, और ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे, और ये बहुत नाइस वन बलों वाला गार्लिक पराठा बनेगा, बहुत ही नाइस वन। और इसका टेस्ट सो यमी है, मैंने अभी चेक किया है, इसका जो फ्लेवर कसम से बहुत ही मज़े का है, और आप लोग भी जब खाएंगे ना बहुत मज़े लेंगे। तो मैंने इसको ऐसे रोल करते जाना है। इसको रोल करने के बाद ये देखें, इसको ऐसे किया हमने, और इस तरह अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है, और फिर हम इसका पराठा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। गार्लिक पराठा आप खाइएगा मज़े ले ले के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए पेड़ा सेट हो गया है, और अब हम इसको बेल लेते हैं और रोटी बेलते हैं। हमारी ये जो पराठा हमने बनाया था, इसको हम आराम से बेलते जाते हैं, और इसको बेल के हम बारीक कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। पराठा हमारा बेल चुका है, और मैं अब इसको तवे पे डालती हूँ, और तवे पे डाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखिए मैंने तवे पे ऐड कर डाल दिया, सॉरी। तो ये देखें अब इसकी जैसे ही नीचे से साइड होती है, तो मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ऊपर नीचे मैंने पहले बटर लगा लिया था, तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं, वेट करते हैं इसकी साइड होने का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एहतियात से साइड चेंज कीजिएगा। ये देखिए ये एक साइड से हो गई है, अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे और निचले वाली साइड का वेट करेंगे कि वो अच्छे से बन जाए। और तमाम हम इसी तरह गार्लिक पराठे बना लेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए मैंने बटर लगा दिया, और इसकी आंच हम हल्की करते हैं, और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अब हम हल्की हल्की आंच पे इसको पकाते जाएंगे, और इतना मज़े का और इतनी अच्छी और शानदार खुशबू आ रही है ना गार्लिक की, और इसमें मैंने जो चीज़ें डाली हैं बहुत ही नाइस वन लग रहा है। ये देखते हैं अच्छे से गोल्डन हो गया है, तो मैं अब इसको उतारती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा जो गार्लिक पराठा रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का बना, और साथ में मैंने लस्सी और साथ में ये ग्रीन चटनी रखी है। आप अपनी मर्जी से इसको अचार के साथ भी ले सकते हैं, और जो बहुत ही मज़े का और यमी यमी बना है। ये देखें इसके बल देखें, ये कितना नाइस वन बना और सो टेस्टी बना है। तो मैं आपको एक बाइट करके दिखाती हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का और यमी यमी बना है, और कितना देखें, ये देखें कितना नाइस वन, और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या बात है, बहुत ही मज़े का बना है। तो आप लोग भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा,
और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी बहुत ही मज़े मज़े की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।